हेलो दोस्तों, मैं शिवांश और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये वीडियो लेखपाल से संबंधित वीडियो है और जैसा कि आप सब जानते होंगे, लेखपाल की आंसर की आ चुकी है और मैंने 5 से 6 हज़ार बच्चों का सर्वे किया है। इस सर्वे के आधार पर ही मैं मेरिट बताने वाला हूँ और ये मेरिट मेरा अनुमान होगा। इस मेरिट ये मेरिट आयोग का से कोई संबंध नहीं होगा, ये मेरिट गलत भी हो सकती है। तो हाँ, ये अब देख लेते हैं आंसर की के बाद लेखपाल की मेरिट कितनी रह सकती है। यू आर ओबीसी, ओबीसी के साथ ही लिख रहा हूँ मैं, ईडब्ल्यूएस, और फिर आएगा भाई SC ST। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले बात सुनो, प्रत्येक स्टूडेंट के जब आंसर की आती है 2 से 4 नंबर कम जरूर होते हैं। जो उसके नंबर पहले बैठ रहे होंगे, जब आंसर की आई कम से कम 2 से 4 नंबर कम जरूर हुए होंगे। तो अब आप देख लो मेरिट, यू आर की मेरिट 71 से ज़्यादा जिस स्टूडेंट के नंबर हो गए, 71 से ज़्यादा जिस स्टूडेंट के नंबर हो गए, वो मेरे अनुसार उसका लेखपाल में नंबर आ जाएगा। ठीक है, यू आर की मेरिट 71 से ज़्यादा जिस स्टूडेंट के नंबर है, वो मेरे अनुसार उसका लेखपाल में नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं EWS की भी और OBC की। EWS की और OBC की मेरिट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसकी मेरिट का मेरा अनुमान है भाई 68 नंबर से ज़्यादा जिस स्टूडेंट के नंबर है, 68 से ज़्यादा, तो वो EWS के लिए भी और OBC के लिए भी क्वालिफाई हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई SC ST की। SC की मेरिट 64-65 लगा लो, यही जाने वाली है। ST की मेरिट 62। ठीक है, और ये मेरिट मेरा अनुमान है, इस मेरिट का योग से कोई संबंध नहीं है, ये मेरिट गलत भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैसा कि मुझे भी अनुभव है, मैंने भी पेपर दिया था, तो पेपर इतना इजी भी नहीं था कि भाई इतना इतना आसान पेपर था। तो यू आर में अगर आपके 71 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो आप चांस में हो। ठीक है, EWS में और OBC में 68 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं तो चांस में हो। SC ST 64-65 पे है, ST 62 पे है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।